द गेटवे होटल अंबाड़ नासिक, और यहाँ है हमारा स्टे। चेक होगा क्या अभी? तो यहाँ पहले गाड़ी चेकिंग भी होती है अगर आप फोर व्हीलर से आए तो। ये एंट्री है, यहाँ आपकी कार वगैरह की चेकिंग होती है, अच्छी बात है, जरूरी भी है ना ये सब जगहों पे। पार्किंग वगैरह लग रहा है ना ये। बहुत बड़े एकड़ में फैली हुई है, बहुत बड़ी। हाँ पूरा ग्रीनरी से भरा है ना, और ये ऐसा लग नहीं रहा है कि ताज में है, मतलब ऐसा बहुत सुंदर। फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने डेस्टिनेशन में, अपने होटल में, द गेटवे होटल बाय ताज। और यहां से मैं आपको अपने ताज होटल का एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूं। और ये हम पहुंच गए थे तो कुछ चेकिंग के फॉर्मेलिटीज़ चल रही थी, तब तक उन्होंने हमें ये वेलकम ड्रिंक दिया था, तो हम वही पी के इंजॉय कर रहे थे और फॉर्मेलिटीज़ कम्प्लीट होने का वेट कर रहे थे। और इस ब्लॉग में मैं आपको होटल का रूम टूर दूँगी और बाकी आपको आगे सारी चीज़ें धीरे धीरे आने वाले ब्लॉग में देखने को मिलेगी। ओके ओके, जिम इज ऑपरेशनल राइट? यस। ओके ग्रेट। अच्छा थैंक यू सो मच। ये है वॉशरूम और ये है कमोड और ये है शावर एरिया। गुड। और ये बायोटिक से लेके सारे प्रोडक्ट्स इन्होंने दिया है, ये सब चोरी का है, सब घर जाएगा। और ये दिए इन्होंने ग्लास। और ये हूँ मैं। हाय। और ये है कवर्ड, यहाँ पे शायद ये दिए हैं इन लोग लॉकर। एक मिनट ना, ये लॉकर वाला दिया है ना, लॉकर। हाँ ये लॉकर है। और यहाँ पे हैंगर वगैरह अवेलेबल हैं। और ये लॉन्ड्री वगैरह के लिए दिया है। और यहाँ पे आयरन करने का भी दिया है, स्टैंड भी दिया है और आयरन भी दिया है। कूल, दिखा दी। और ये है एक लंबा सा मिरर।
और ये एक तो दिया है रखने के लिए कवर जैसा, जहाँ पे शायद आप शूज़ वगैरह यहाँ नीचे रख सकते हैं। और ये है टीवी, उसके नीचे फिर दिया है टेबल। और ये ऑफिस एरिया है, कुछ है क्या उसमें? अच्छा हाँ, ये जो मैंने चाय कांड किया था ना पिछले बार ताज होटल में, ये दोबारा कांड करने के लिए दिया गया है। इसमें सब चीज़ें, ये देखिए आप, मिल्क पाउडर, शुगर और ग्रीन टी। और ये है फ्रीज, इसमें हम लोग जो भी खाने के लाए वो रखेंगे फ्रीज वगैरह में, ठीक है। ये हो गया टीवी के नीचे जो जो था ये वो सब है ये। ओके, मिनी बार, मिनी बार है, इसमें से आप ले सकते हैं कितना क्या है, है ना। और ये ऑफिस एरिया है, ऐसा है, यहाँ पे आप बैठ के अपना एडिटिंग, ये मेरा यहाँ पे रखा भी है टैब, और यहाँ पे आप बैठ के चाय के मज़े ले सकते हैं मस्त। और ये है लैंप, और सबसे मेन चलिए आपको दिखाते हैं गैलरी। एंड व्यू, बैठे, ये है गैलरी, यहाँ पे आप चेयर यार ला के बैठ सकते हैं। और ये हूँ मैं, क्या बात है यार, एक दिन की ताजमहल की महारानी, ये लोग आज पूरी तरीके से हमें पैंपर करेंगे, आज हमारे पैर धो धो के पीएंगे। खैर वो जब भी आओ तभी भी पीते ही है। एक दिन फुल फैन बनी और साइड में सब की गैलरियां जुड़ी हुई है, सब रूम की, सब में तो कुर्सियां भी रखी है अपनी बाहर। तो मम्मी के लिए पलंग नहीं दिया? देंगे देंगे, ये देखो बाहर पलंग कहाँ से देंगे वो? मैट्रेस देते हैं, मैट्रेस अलग से देते हैं। हाँ ये नीचे बढ़िया, आप ये जो पिक्चरों में विलन लोग बैठ के वो सब करते हैं ना साजी सो कौन जाओ तो ऐसी जगह ये बनी हुई है नीचे, बाकी आप लोग को समझिए ना। और इसके अंदर रूम और रूम के बाहर गैलरी, और गद्दा भी बहुत अच्छा है। सावधान इंडिया, आधा आधा पियेंगे ना अपन, उसमें थोड़ी वो करेंगे, है ना, थोड़ा डाल दो क्या? कब साफ नहीं है? गंदा है क्या? नहीं चेक कर लो एक बार, हाथ लगा के देखो, साफ नहीं गंदा है, ये देखो पानी, ये नहीं इस पे देखो, हाँ कब गंदा है, रुको रुको उनको बोलो चेंज करके देंगे। ये देखो तैर रहा है ताज में गंदा, कब इसको लोगों ये दिखा देना उसको, इसको पे रुक जाए, हम लोगों को लग रही है भूख। और ताज में इनका जो मेन्यू है ये बहुत ही अलग तरीके का है, मैं आपको एक मिनट दिखाती हूँ। ताज में आपको स्क्रीन में यानी कि टीवी में आपको दिखेगा उनका मेन्यू, उनका एक चैनल है उन्होंने बताया है, ये देखो इसमें आएगा उनका बार कोड जिसको आपको स्कैन करना है उसमें, ये देखो मोबाइल से ये स्कैन भी हो गया, ये और ये अपने आप सफारी में या क्रोम में खुल जाएगा। और ये आ गया स्पा मेन्यू, आ गया इनका। अब आपको अगर डाइनिंग मेन्यू चाहिए तो डाइनिंग का कोड स्कैन करेंगे भी। हाँ ये आ गया, आ गया, ये देखो, ये देखिए आप, ये आ गया खाने का भी मेन्यू स्कैन करने पे टीवी से, पता नहीं थोड़ा ब्लर आ रहा है, फोकस बैठ नहीं रहा है। ये ब्रेकफास्ट है, ये एपेटाइजर एंड सूप्स,
सो इसमें से आपको जो भी पसंद है वेज नॉन वेज आप इसमें से कॉल करके मंगा सकते हैं। यस मैं आपको अच्छे से दिखा दूंगी, अभी ये पता नहीं क्यों फोकस नहीं बैठ रहा है फोन का, आईफोन में भी थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है।